आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं कभी भूले नहीं, कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है नहीं भूलते। प्यार मोहब्बत आपको हो ही जाता है, ये उम्र की गलती है। आईक्यू लेवल क्या होता है? देखिए आईक्यू लेवल क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है, आप बस इसका जवाब दे लेने दीजिए फिर पूछे। आईक्यू लेवल क्या होता है? ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारी मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें हर चीजें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे हम आपको गेहूं देंगे तो तुरंत उसको किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में नापिएगा, गैस देंगे तो वॉल्यूम में नापिएगा, ML में नापिएगा, लीटर में पानी नापिए। उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको कार्टेक्स में नापते हैं। जिसका कार्टेक्स ज्यादा उसको कहते हैं कि ससुरा बहुत ही इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। और जिसका कार्टेक्स यानी याद रखने की क्षमता कम है उसे कहते हैं कि इसका कार्टेक्स कम है, यानी आईक्यू लेवल इसका कम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर आए होंगे, कुछ टीचर आपको नोट्स खोल के पढ़ाते हैं। कोनो किताब उताब नहीं है जी? हाँ, कोनो किताबें ना है, अरे खाता बुक भी देना यहाँ, इसी को समझा देते। देखो ये हिसाब किताब वाला किताब है, दिवाली के समय हिसाब किताब फाइनल होता है ना सबका सैलरी उलरी का। तो कुछ टीचर को देखिएगा ना, तो ऐसे एक किताब लेके रखे रहेंगे लोग और इसी में देख के पढ़ा देंगे। बाबू देखो नर्वस सिस्टम का दो गो पार्ट होता है, दो गो ना तीन गो होता है, नर्वस सिस्टम का तीन गो पार्ट होता है। ऐसे लोगों का मतलब ये खाता बुक रख दो भाई, इसका हिसाब दिवाली में हो जाएगा। तो ये ऐसे लोगों का आईक्यू लेवल कम है। लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे आप, उनको किताब उताब से मतलब नहीं होता। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी जाइए तो देखिए, या बड़े टीचर IIT वगैरह जाएंगे, बहुत एकदम टीचर आते हैं आराम से, कोई नोट सोर्स कुछ नहीं, आया पढ़ा रहा चालू किया एकदम मस्त इंजॉय करके चला गया। तो इनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए हम आपको बताए भी थे, दिमागीन खाइए अच्छा रहता है, एक ही तरह की सोच मत सोचिए अच्छा रहता है। समझा गया? प्यार वगैरह के चक्कर में मत रहिए अच्छा होता है। देखिए प्यार मोहब्बत आपको हो ही जाता है, ये उम्र की गलती है। लेकिन सही क्या है कि आपके अंदर एक समझदारी रहनी चाहिए कि भाई साहब ये उम्र की गलती है तो इसे गलती भरी स्वीकार कीजिए। अपने आप को जीवन साथी बनाने की कोशिश मत करिए, बस ये एक समाज के लिए गलत है, हमारी संस्कृति के लिए नहीं है। तो आप करते हैं तो छुप के ही रहिए, एक इस लेवल के रखिए कि भाई हमारी लाइफ अलग है तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम टेम्पोररी आए हो नहीं तो इसमें चल जाओगे। लेकिन अगर ये प्रेम मोहब्बत में पड़ेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, पूरा नर्वस सिस्टम को चौपट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? आईक्यू लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे आईक्यू लेवल किसका अच्छा है, आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो भी ना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। सपना कैसे आता है? ब्रेन की वजह से आता है। थके नहीं रहेंगे ना, नींद अच्छी नहीं रहेगी तो सपना आने लगेगा, क्योंकि ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता है। टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं कभी भूले नहीं, कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है नहीं भूलते। रीजन क्या? आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं? 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा। हम लोग को क्या है भैया, दिन रात पढ़ाते आदमी पगला जाता है। इसलिए अब कोई नींद में भी पूछेगा खान सर स्वायत्त तंत्रिका तत्व किसे कहेंगे, स्वायत्त में कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, बस यही आ जाएगा। क्यों इतना जल्दी रिवाइज मारा आदमी कि ये हमारा सबकॉन्सियस माइंड में घुस गया है। सबकॉन्सियस, देखिए कॉन्सियस माइंड उसे कहते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आप भी अगर पूछेंगे कि खान सर जो एक हफ्ता क्लास नहीं लिए थे कहाँ थे, तो हम सोचने लगेंगे ये स्टूडेंट है, इससे हर बात क्या बताएगा आदमी कि किस डॉक्टर के पास थे, कहाँ गए थे। नॉर्मल बोल देंगे बाबू थोड़ा सा मेडिकल हेल्थ इशू था इसलिए चलेगा। लेकिन अगर मम्मी पापा पूछेंगे तुमसे हर चीज बताएंगे। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है वो उसे क्या कहते हैं, सबकॉन्सियस। जैसे कोई हमारा नाम पूछेगा खटाक से बता देंगे खान सर, समझ में आ गया कि नहीं? ओरिजिनल नाम तो आपको भी नहीं बताते हम लोग यहां पे। तो सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दीजिए जो चीज। जैसे आप स्टेशन पे उतरिए या बस स्टैंड पे उतरिए, अपने घर जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं, हाँ इसके बाद दहीने मुड़ना है बाएं मुड़ना, आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं।
तो जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आप थक, जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तब। नींद प्रॉपर लिया कीजिए, नींद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप जिस दिन बहुत ज्यादा थके रहेंगे उस दिन कोई सपना नहीं आता है। हम लोग का जब ऑफलाइन क्लास रहता था सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक पढ़ाता था आदमी, जो ने करवट सोता था उधरे उठ जाता था, सपना का नाम ही नहीं आता था। समझ रहे? एक चीज पूछ रहे हैं सर, कोमा क्या चीज होता है और सर दर्द क्यों करता है? जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आएगी वो चीज दर्द करने लगेगा। जैसे आप दौड़ेंगे तो आप सांस ज्यादा नहीं ले पाते, ऐसे लेते हैं तो बॉडी में सांस नहीं पहुंच पाता और हाथ पैर में आपके लैक्टिक एसिड जम जाता है जिसलिए दर्द करने लगता है। तो जब कभी भी मेहनत करने लगेंगे या फिर एक दब हो जाएगा तो ब्रेन दर्द करने लगता है। दूसरा, कोमा क्या होता है? ब्रेन हमेशा वर्किंग करते रहता है, अगर वो रेस्ट में चला गया तो उसी को कोमा कहते हैं। अब परमानेंटली रेस्ट में चला गया तो मरिए जाएंगे। बेहोशी में क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? बेहोश हो गया है। पानी उन्हीं छिड़केंगे ना तो स्पाइनल कॉर्ड में उसमें संपर्क जुड़ जाएगा, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम ही नहीं कर रहे हैं तो कोमा में चले गए। कोमा को हाफ डेथ कहा जाता है, आधा मरा हुआ व्यक्ति है। जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है ना, कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि वापस आएगा ही आएगा, लेकिन बेहोश है तो कोई दिक्कत नहीं, पानी फेंकिए मार देगा। उसको कहते हैं लोग बिहार में, लोग दांत लग गया है, फीट मार दिया, पानी फेंकिए सही हो जाता है। ये क्या करता है? मोटर नर्व्स, देखिए ये ऑर्डर लेके आता है, ऑर्डर देता है ये किससे? ब्रेन से ऑर्डर देता है किसको? बॉडी को, बॉडी को ये ऑर्डर देता है। और सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं सब? ये ऑर्डर को रिसीव करते हैं सर। ये क्या करते हैं सर? सेंड। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहां कोई मच्छर काट रहा है, यहां क्या कर रहा है? मच्छर काट रहा है। तो सोच रहा ब्रेन को कैसे पता चलेगा मच्छर काट रहा है? या पिछवा मच्छर काटता है तो बिना देखले आप जान जाते हैं मच्छर काट रहा है, जैसे पढ़ रहे हैं अचानक से मारते हैं, देखने गए थे मच्छर है, लेकिन आप जान जाते हैं सोच रहा मच्छर काट रहा है। कहीं नहीं कहते हैं कि सांप काट रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये सेंसरी नर्व है, ये सेंस करने का काम करता है। इसको पता है कि मच्छर काटने का दर्द कैसा होता है, तो ये सेंस करेगा। जैसे मान लीजिए यहां मच्छर काटा ना, तुरंत मैसेज भेज देगा किसको? ब्रेन को। यानी ये बॉडी से कहां मैसेज भेजता है? ब्रेन को। ब्रेन को कहता है, बॉडी से किसको भेजेगा? ब्रेन को, कि देखिए तो कौनसी चुभ रहा है। तो ब्रेनवा का जो सेरिब्रम है वो करा तो याद है कि मच्छर चुभ रहा है, तो ब्रेन को पता चलेगा सुजा मच्छर चुभ रहा है। तो ब्रेन ऑर्डर देगा किससे? मोटर नर्व से। ब्रेन किसको ऑर्डर देगा? बॉडी को, हाथ को कहेगा मार तो। तो जैसे इधर से मच्छर काटा, सेंस करेगा सेंसरी नर्व्स, सेंस करेगा सेंसरी नर्व, तुरंत मैसेज भेजेगा ब्रेन को। अब ब्रेन कहेगा, ऑर्डर देगा हाथ को मार तो, देखेंगे तो मर जाएगा, यहां मारेंगे क्योंकि दो तरीके, मच्छरवा का यहाँ फोटोकॉपी हो गया, मच्छरवा कहाँ गया? तो आदमी खोजता है कहाँ गया, अब फिर मार देता है, ससुरा काट रहा था हमको यहाँ पर। समझ में आ गया? यही दोनों मेन होते हैं सर, ये मेन होते हैं सर। समझ में आ गया? जैसे सीधी सी बात, मान लीजिए आपको कोई पीछे से ऐसे मार दिया, तुरंत सेंस ऑर्गन कहेगा, सॉरी सेंस करेगा, सेंसरी क्या करेगा? सेंस करेगा, कहेगा कौन मारा है, तो ब्रेन पीछे देखेगा, कहेगा अरे यार तुम है, इधर आओ इधर आओ। समझ गया? और वही पता चला कोनो जान पहचान का नहीं है, तुरंत ब्रेन ऑर्डर देगा किससे? मोटर नर्व से, जिसका हम जानते भी नहीं, एक तमाचा धो देंगे उसको, काहे मारा रे? समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बॉडी से ब्रेन में सेंस कराता है सेंस ऑर्गन और ऑर्डर देता है मोटर नर्व्स। फालिज मारना सुने हैं? किसी को फालिज मार दिया, सोच रहा वहां का सेंसरी नर्व से खत्म हो जाता है, सेंस से नहीं रह जाता है, तो एंगल लेके घूमता है ऐसे, कंची हो गई लो बाबा के फालिज मार दे लो, मतलब वहां का सेंसरी नर्व्स काम करना छोड़ दिया है, सेंसरी नर्व्स काम करना छोड़ दिया। बुढ़ौती में ही बहुत होता है। अब बताइए यहाँ पर कहीं मान लीजिए नाखून है, आप नेल कटर से काट रहे हैं, कहीं ज्यादा बकोट लिया हचाक से, तो यहाँ का सेंसरी नर्व कहेगा रे बकलोलवा ज्यादा काट दिया यहाँ पे, तो ये ऑर्डर देगा नेल कटर हटा हटा हटा। कभी देखे हैं कैसे छुरा घोंप रहे हैं और घोंपते जा रहे हैं? नहीं, जैसे घोंपेंगे तो सेंसरी सेंस करने के लिए भेज देगा कि देख बकलोलवा अपने को घोंप रहा है, तो ऑर्डर देगा ना, अपने को नहीं ना घोंपा जाता है, दूसरे को घोंप दो। समझ में गया? किसी को दिक्कत? ये क्या करता है? ब्रेन टू बॉडी मोटर नर्व्स, ब्रेन टू बॉडी मोटर नर्व, और सेंस करेगा सेंसरी किसको भेजेगा? ब्रेन को। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे सुना मिक्स नर्व्स हुआ, दोनों काम करता है। मिक्स नर्व्स क्या करता है? दोनों काम करता है, ले आने ले जाने दोनों का काम करता है। जब कभी भी इसमें गड़बड़ी आ जाए, इसमें गड़बड़ी आ जाए या इसमें गड़बड़ी आ जाए, तो भगवान एगो सेफ्टी के लिए दिया है, ये दोनों का काम कर देता है, इसलिए नाम है इसका मिक्स नर्व्स। ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन में ना बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं, बहुत पतली पतली नसें, वो नसें फट जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं? हेमरेज कहते हैं। हेमरेज का मतलब होता है एक चीज का दूसरे चीज में आके टच हो जाना, तो नसें बहुत पतली होती हैं, फूल के दूसरे में टच होती हैं जिससे रगड़ के कारण फट जाती है, तो उसी को कहते हैं ब्रेन हेमरेज, और व्यक्ति की मौत।